दोस्तों नमस्कार। बच्चों की पसंदीदा और बड़ों का भी पसंदीदा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। सेम बाज़ार वाला पिज़्ज़ा जो स्वाद आता है, वैसा ही आप फुल लोडेड मसाले वाला घर पर बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी समझ में आएगी और आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ब्रेड लेना है, तो मैंने यहाँ पर ये ब्रेड लिया और ब्रेड का जो है साइड का जो किनारा होता है वो हमें कट कर देना है। तो ये पूरा ब्रेड जो है बढ़िया साफ करके ले लिया है हमने। अब हम दोस्तों आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये जो ब्रेड है साफ करके ले लिए हैं, अब इसका हमें पिज़्ज़ा कैसे तैयार करना है, इसको कैसे कैसे बनाना होगा वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूरे जो ब्रेड स्लाइस को इस तरीके से फैला देते हैं, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से पूरा इसको इस तरीके से यहाँ पर फैला दीजिए। तो हमने यहाँ पर देखिए इतने सारे ले लिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा की सॉस होती है, जो चटनी, वो लगाएंगे। तो वो कैसे तैयार करना है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको इमीडिएटली तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरा लिया है, इसके अंदर टोमेटो केचप डालेंगे। ये डाल दिया, इसके अंदर डालेंगे रेड चिली, रोक। अब इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, ये ऑरिगेनो डाल दिया थोड़ा, और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स। अब इसको बढ़िया मिक्स कर लेते हैं। तो ये टोमेटो चॉप्स बनकर तैयार। ये देखिए, चलिए अब हम सबसे पहले इसके ऊपर ये लगा देंगे। अब इसको पूरा फैला देते हैं ब्रेड के ऊपर इस तरीके से। तो देखिए पूरा यहाँ पर हमने जो है टोमेटो जो पिज़्ज़ा का जो तैयार किया मसाला लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये सीस जो स्लाइस वाली आती है वो वाली। यहाँ पर देखिए ये स्लाइस हमने रख दी थी और यहाँ पर हमने छोटी छोटी जो क्यूब थे उसकी कटिंग करके हमने यहाँ पर इसकी डिजाइनिंग कर दी है। अब हम दोस्तों इसके ऊपर जो है फिर से हम यहाँ पर देखिए जो टमाटो केचप है वो लगाएंगे। भरपूर मसाला रहेगा ना तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब दोस्तों उसके ऊपर लगाते हैं हम चिली फ्लेक्स। अब आएगा ऑरिगेनो। अब यहाँ पर हमने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को एकदम बारीक बारीक कटिंग करके रखा है, इसको बढ़िया मिक्स कर लेते हैं हम। इस तरीके से अब यहाँ पर हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं इस तरीके से।
एकदम भर भर के डाल देना है पूरा सब्जी, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको हम इस तरीके से फैला देते हैं, थोड़ा पूरे ब्रेड के ऊपर। बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है और कम समय में और कम सामग्री के साथ इसे आप बना सकते हैं। तो पूरी सब्जी हमने लगा दी है, अब हम इसके ऊपर जो है नमक मिर्ची अपने स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। वही यहाँ पर लिया हमने मैजिक मसाला, मैजिक मसाला ऐड कर देते हैं पूरा। अब ये नमक, मिर्ची पाउडर, अब दोस्तों थोड़ा सा चटनी जो है हम और ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो है सभी मसाले हमने ऐड कर दिए, सब्जियाँ वगैरह। अब हम इसके ऊपर से एकदम बढ़िया भरपूर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यूब है और इस तरीके से पूरा ऐड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों पूरे ब्रेड जो है हमारे पिज्जा ब्रेड है, जो पूरा अच्छी तरीके से सीस लोडेड हो चुका है। अब हम इनको जो है पकाने के लिए रखेंगे। अब दोस्तों ब्रेड पिज्जा को पकाने के लिए हम जो तरीका अपना रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। हम इसे तवे पर करेंगे, किसी प्रकार का हमारे पास ओवन नहीं है, ओवन नहीं है तो उसमें नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा ढक्कन लिया है, इसके ऊपर पहले हम तेल जो है ऑयल लगा देते, पूरा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। अच्छा इस तरीके से, पूरा ऑयल लगा देना है, बढ़िया लगा दिया। अब हम यहां से ये जो हमारा ब्रेड है, ब्रेड पिज्जा जो, इसको हम यहां से लेंगे और यहां रखेंगे। ये पूरे ब्रेड पिज्जा जो है हमें यहाँ से उठाना है और यहाँ रखना है, किनारों से बाहर नहीं होना चाहिए, किनारों के अंदर अंदर रखें। तो दोस्तों अभी ये रेडी है और चलते हैं हम इसको जो है पकाने के लिए रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा वाला तवा लिया है, उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है और इस स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे इसको। हम इसको जो है डायरेक्ट तवे के ऊपर नहीं रखना चाहिए। कभी भी आप पिज्ज़ा बनाते हैं, फिर से आप प्योर पिज्ज़ा बनाते हैं या ब्रेड का बनाते हैं, तवे के ऊपर ना रखें, किसी बर्तन में रखें ताकि ये नीचे से अच्छे से जलेगा नहीं, बढ़िया तरीके से पकेगा। तो अभी हम इसको ढकेंगे और इसको पकाने के लिए रख देंगे। ये रख दिया हमने और अब हम इसको जो है इस बर्तन से ढक देते हैं और इसको इस तरीके से लगभग 4 से 5 मिनट तक रखते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारा जो पिज्जा है बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब लगभग 5-6 मिनट हो चुके हैं और हमने यहाँ पर जो है हटा देते हैं ढक्कन को। वाह, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ पूरी जो है मसाले और चीज़ एकदम बढ़िया ब्रेड के साथ मिक्स हो गई। तो दोस्तों अब यहाँ से हम एक एक पीस को जो है निकालते हैं और यह प्लेट के अंदर रखते हैं।
तो ये तीन पीस रख दिए हैं। पहले हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी कटिंग करते हैं हम यहाँ पर, तो इसकी जो कटिंग इस तरीके से करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जो है हमारा पिज़्ज़ा जो है ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। और ये बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और आप देख सकते हैं बहुत ही भरपूर चीज़ भरी हुई है। ये देखिए तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्रेड पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बनाए और बच्चों के लिए बहुत ही जल्दी कम समय में कम सामग्री के साथ यह बनकर तैयार हो जाता है।